कि जमीन में जो पहाड़ों और भूमि के बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय, स्थानीय अधिकारी और सम्माननीय अतिथि, राजस्थान में वन महोत्सव संरक्षण क्या स्टूडियो थोड़ा आप पीछे बैठे आप साथ यहाँ खड़े हैं हाँ वहाँ आएंगे तो कोई नहीं साइड में रोज बेटा साफ जाए कोई बाढ़ से हुए कहीं बड़ी उम्र है भाई समय नहीं सेवा का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग मंत्री महोदय का स्वागत और स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय का उचित से निवेदन कर रहा हूँ। क्षेत्रीय वन अधिकारी आप पधारे और जिला कलेक्टर महोदय सानिध्य मिला है और जिनके सानिध्य में चौधरी जी का इसी क्रम को आगे जी बोथरा के सम्मान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। श्री स्वागत और अभिनंदन में आपके तालियां आपके देश की सेना देश की फौज इसके लिए तालियां सुन श्रीमान बोथरा साहब कलेक्टर साहब एसपी साहब वो भी अपने लेवल पे आज वन महोत्सव मना रहे हैं और जहाँ तक संभव है करीब करीब जो रक्सूंद है वो सभी आज कंप्लीट सब जगह कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं उसके आज 68वां ये वन महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जनरली ये जुलाई और अगस्त के महीने में ही होता है तो चूंकि यहाँ बरसात पहले हो गई थी इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया गया कि आज ये मनाया जाए। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने इस उद्देश्य से भी राजस्थान वाटर डेफिशिएंट है, राजस्थान को सूखा प्रदेश कहा जाता है, हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, जैसे हम बाकी चीजों में सक्षम है जल में भी हम खुद स्वयं सक्षम बने, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया था जो कि आज एक क्रांति के रूप में उभर के आया है। उसी अभियान के तहत आज वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया गया है। जैसा कि डीएफओ साहब ने बताया है आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ साथ हम पेड़ भी काट रहे हैं, पेड़ काटने के साथ साथ जो पूरा वाटर साइकिल है जहां पे पहले बरसात होती थी वहां पे अब बरसात कम होनी शुरू हो गई है। तो ये वृक्षारोपण भी इसी अभियान के तहत इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अभी पेड़ लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे तो वाटर साइकिल अपना फिर इम्प्रूव होगा, उसके साथ और बरसात आएगी और अपन वाटर डेफिशिएंट से वाटर सफिशिएंट की ओर बढ़ेंगे। प्रियंका चौधरी हमारे यूआईटी पर्सन एसपी गगन दीप साहब और सम्मान